नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है और उन्होंने जो साथ में व्हाट्सअप किया है जो मैसेज वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इनकी क्या समस्या है। सर जी, मैं 2 दिन से आपका यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। आपका एक्सप्लेन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैंने ये मकान 4 साल पहले बनाया है और उस समय हालात को देखते हुए बिना वास्तु के मकान बना लिया था, परंतु उसके बनाने के बाद से काफ़ी वीडियो मैंने YouTube पर देखी तो मुझे गलती का एहसास हुआ क्योंकि मेरा मकान साउथ फेस है। अब हालात बदल रहे हैं, मैं ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं कर सकता, तो क्या आप मुझे कुछ समाधान बता सकते हैं? बड़ी कृपा होगी। सर जी, मकान बना रहा था तो रोड काफ़ी नीचे था, मगर बनाते बनाते वो रोड भी सरकार की तरफ से बन गया, जिसके बाद जो पोर्च वाला 9x25 का पोर्शन है, 9 फीट बाय 25 फीट कहने का मतलब ये है, वो बाकी मकान से 2 फुट नीचे रह गया है। सर जी, अगर मैं मेन गेट को पूरे घर के फर्श के लेवल में लेता हूँ तो फिर रोड से बहुत ऊंचा हो रहा है और अंदर आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। दोस्तों, इस प्लान के साथ साथ भी जो कुछ डिटेल वो ये है, वो जो पढ़ के सुनाता हूँ। अगर गुरु जी, अगर मैं स्टोर की को ओपन किचन बनाकर किचन में गेस्ट रूम बना लूँ तो क्या ठीक रहेगा? मेन गेट के सामने शिव मंदिर है, मेन गेट 10 फीट चौड़ा है, ऊंचाई 10 फुट है, उसके बाद 10x8 की जाली है। दोस्तों, ये उनके घर का प्लान है, दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये उनका मेन गेट है। जो 9x25 उन्होंने लिखा तो ये 9x25 यहाँ लिखा है, ये हिस्सा इनका नीचा हो रहा है, 2 फिट नीचा हो रहा है। इधर शिव मंदिर है सामने घर के, इधर हनुमान मंदिर है। वो चाहते हैं कि ये स्टोर को मैं किचन बना लूँ और किचन को गेस्ट रूम बना लूँ, ये चाहते हैं और समाधान चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनके अब हालात नहीं है ज़्यादा तोड़फोड़ कर पाए। दोस्तों, पहली बात तो ये ध्यान रहे कि ये हनुमान मंदिर या शिव मंदिर, मंदिर का आसपास होना कोई नुकसानदेह कोई वास्तु दोष नहीं होता है। जो लोग डराते हैं कि मंदिर के पास, मंदिर के सामने शिवालय या किसी भी देवी देवता का स्थान नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। देखिए, देवी देवता हमारे माँ बाप की तरह होते हैं, ठीक है ना, वो हमारा नुकसान कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। और देखा जाए तो जो मंदिरों के अंदर रह रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा मजा कर रहे हैं। यदि नुकसान कर रहे हो तो जो मंदिरों के अंदर रह रहे हैं, जो मतलब साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर हैं, वो सबसे ज़्यादा मजा कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो कहने का है कि बिल्कुल, और मेरा अपन अपने घर में मंदिर रखते हैं कि नहीं रखते, पूजा का स्थान बनाते कि नहीं बनाते? घर के अंदर पूजा का स्थान सही है, घर के सामने नहीं होना चाहिए मंदिर, गलत बात, इससे कुछ नहीं होता है। पहली बात तो ये दोष है ही नहीं। यदि ये परेशान है और कोई उनको सलाह देता है कि सर आपके शिवालय सामने है, शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर में कुछ चिपका हुआ है, ये तो बहुत गलत है। इनका दोष ये है ही नहीं, इनकी समस्या ये है कि इनका एंट्री है साउथ वेस्ट की, ये पश्चिम दक्षिण नृत्य कोण से एंट्री है। इस घर की महिलाएं कभी स्वस्थ नहीं रह सकती, पूरा 2 फीट ये हिस्सा नीचा है, इस कारण ये हिस्सा नीचा होने के कारण घर में अब नृत्य कोण पूरा नीचा हो गया, पश्चिम के साथ नृत्य कोण नीचा है, तो घर की स्त्रियों का स्वास्थ्य, पुरुषों का स्वास्थ्य खराब रहेगा, आर्थिक स्थिति खराब है, सब तरह की समस्याएं आएंगी यहाँ पर इन दोषों के कारण। फिर यहाँ पर हैंडपम्प है, बोरिंग है, यहाँ पर हैंडपम्प है, तो ये आ गया दक्षिण में, और यहाँ पर टैंक है, ये सेफ्टी टैंक होगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये सेफ्टी टैंक ही होगा, लेट बात है ना, इसलिए सेफ्टी टैंक है ये। अब आपका अग्नि कोण है, पूर्व अग्नि, अग्नि कोण में आपका सेप्टिक टैंक है। अब जिस जगह पर नृत्य को नीचा हो वहाँ उससे तो दिक्कत हो गई, और सेप्टिक टैंक जो नीचे आने से अग्नि कोण में सेप्टिक टैंक, यानी विवाद और कलह का कारण, यानी परिवार में विवाद कलह, अब आर्थिक स्थिति हो जाए तो विवाद हो जाते हैं, क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति खराब चल रही होगी, तो 4 साल में धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं ये। फिर पूछ रहे हैं, और अच्छा साइज बहुत अच्छा प्लाट का, 22.5 फीट बाय 80 फीट, किचन बहुत अच्छी जगह है, किचन मतलब पश्चिम दिशा में, तो घर में आवक है पैसे की, मतलब आवक नहीं मतलब, यानी कि एक तो
आपस में स्त्रियों में आपस में तालमेल है। पश्चिम दिशा में किचन होने से घर में जितनी महिलाएं रहती हैं उनमें आपस में तालमेल रहता है और घर में खाने को इतना रहता है कि बांटना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, बचता है खाना। ठीक, एक अब दिक्कत ये आ रही है कि पहली बात है ओपन किचन, ऑलरेडी अच्छा किचन है जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ है, अब इसको स्टोर बना के स्टोर वाली जगह किचन बनाना चाहते हैं ओपन। अब ओपन किचन में अपने हर वीडियो में बताता हूँ ओपन किचन की अपनी मुश्किल है। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिसके ये जितनी जानकारियाँ मैं देता हूँ कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सिंपल बात है। किचन पश्चिम में आप अपने रिश्तेदारों के जाइए, देखिए किसी का पश्चिम में किचन है, जो बात बोल रहा हूँ सही है कि नहीं है। जो मैं जानकारी देता हूँ आप अपने घर में आसपास अपने रिश्तेदार दोस्त उनके घरों में जाइए, भाई होता क्या, हर घर में किचन होगा, पूजा का स्थान होगा, टॉयलेट बाथरूम होंगे, बेडरूम होंगे, ये होता है, और उनकी जो प्लेसमेंट है वो इसकी गलतियाँ होती हैं और क्या होता है, ठीक है ना। तो स्टोर यदि ओपन किचन कर देंगे तो आपकी जो है घर के मुखिया दोस्तों संख्या कम होने लगेगी, रिश्तेदारों से शत्रुता रहने लगेगी। यदि कोई कंसीव करने की एज में, गर्भधारण करने की उम्र में है कोई कन्या घर की स्त्री, वो स्त्री उसको दिक्कत आएगी। यदि ऑलरेडी बच्चे हैं तो उसकी ग्रोथ में दिक्कत आएगी। कुल मिला के ओपन किचन अच्छा होता ही नहीं है। ये अच्छी बात है, इनका किचन जो है ये स्टोर जो है अलग है किचन से, ये बहुत अच्छी बात है। किचन का दरवाज़ा अलग है, स्टोर अलग है, तो इसको तो डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए, ये बहुत सही है। गेस्ट रूम की व्यवस्था कुछ और कर लें। अब सबसे बड़ी बात जो इनकी समस्या जो है, इनको चाहिए कि ये टैंक यदि पॉसिबल करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ गुजारा नहीं है, इस टैंक को यहाँ ले जाएँ मध्य उत्तर में, ये ओपन एरिया पड़ावन के पास मध्य उत्तर में ले जाएं, इस जाली के अंदर ओपन एरिया है, ठीक है ना, यहाँ ले जाएं। और यहाँ ले जाके अब दिक्कत है, इनका पूजा का स्थान है, पूजा का स्थान इनको यहाँ ले आना चाहिए, लॉबी में पूजा का स्थान यहाँ ले आना चाहिए, ठीक है ना। एक और यहाँ सेप्टिक टैंक बना दे मध्य उत्तर में, तो वो जो विवाद और कलह के कारण है वो ख़त्म हो जाएगा। एक इस अब ये जो 20 फीट का रोड है आगे, और यदि ये 2 फीट ऊंचा कर लेते हो, ये जो नुकसान हो रहा है 2 फीट नीचे होने का, इनको चीज़ को 2 फीट इसको घर के बराबर कर लें। कोई दक्षिण दिशा में सड़क का ऊँचा होना शुभ है, गलती नहीं, आपकी सड़क ऊँची हुई, दक्षिण दिशा ऊँची हुई ना, आप अपने घर को उसके बराबर ऊँचा कर लें, पूरा फ्लोर को उसके इस हिस्से को भी इसके बराबर कर लें। एक बराबर करके यहाँ थोड़ी तोड़फोड़ करें और एंट्री घर की यहाँ से कर लें, इंट्री घर की यहाँ से कर लें, यहाँ से आके और फिर भले ऊपर जाने, यहाँ से रास्ता बहुत अच्छी बात है, इनका ऊपर जाने रास्ता यहाँ से करके, और ये जो है ये हिस्से को ड्राइंग रूम जैसा बना के ऐसा कुछ करके सेटिंग करें, और यहाँ से आके ऊपर आदमी यहाँ से जाए, ये प्रॉपर है, ठीक है ना। तो ये टैंक को तो इधर कर लें, टॉयलेट बाथरूम फिर इधर, या फिर कुछ और व्यवस्था करें, कोई इधर मंदिर आ रहा है, मैं नहीं चाहूँगा कि टॉयलेट बाथरूम यहाँ बने, पर इनको अपना घर का रास्ता यहाँ करना पड़ेगा, इसको बराबर कर लें। ये दिक्कत आती हो तो स्कूटर तो रख सकते हैं, कार जितनी जगह तो मुझे दिख भी नहीं रही इसमें, ठीक है, तो आने जाने में क्या दिक्कत आएगी, यहाँ बना दे और एक दो स्टेप बना लें यहाँ पर, ठीक, वो सड़क के बराबर ही हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और टॉयलेट को यहाँ ले जाएं, तो ये परिवर्तन कर लेते हैं, पूजा को यहाँ ले आएं, तो निश्चित मानिए कि इनके जीवन में जो धीरे धीरे उतार आ रहा है बर्बादी की ओर जा रहे हैं, जो परेशानी आ रही है आदमी, वो सब दूर हो जाएंगी। आदमी अपना प्लान जब भेजता तभी भेजता जब ज़्यादा परेशान होता है, थोड़ी बहुत परेशानी के लिए कोई किसी के पास इसका टाइम नहीं है, भेजे करे पूछे मुझसे कि सर ऐसी दिक्कत आ रही है, ये समस्या आ रही है, धीरे धीरे स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, ये कर लेंगे जो मैंने सलाह दी है, तो निश्चित मानिए इनके घर में विवाद चल रहे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, चल रहे 100% चल रहे होंगे, आई एम श्योर, ठीक। स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, आर्थिक कष्ट, यानी सभी तरह की समस्याएँ चल रही हैं, बोलते धीरे धीरे बर्बादी की ओर ही जा रहे परेशानी के साथ, उसमें एकदम रुकावट आ जाएगी। वास्तु के प्रभाव में बहुत से लोग पूछते कितना टाइम लगता है, आप एक बार सुधार कर लीजिए, जो ढलान चल रही है वो रुक जाएगी और धीरे 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 आप ऊपर चल पड़ेंगे, जैसे धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं वैसे उसी वक्त आपने वास्तु दोष ठीक किया, आप बर्बादी परेशानी ख़त्म, आप धीरे धीरे सुधार की ओर जाएंगे, जादू नहीं होगा पर उसी दिन से सुधार की ओर बढ़ चलेंगे, यानी ग्राफ आपका न्यू जो जा रहा था वो ग्राफ आपका धीरे धीरे यूँ चल पड़ेगा। वास्तु का बहुत इफेक्ट आता है लाइफ में, बता दूं मैं आपको, और वास्तु से आप ढंग से कहीं करें ना सही प्रॉपर तरीके, यदि बहुत ज़्यादा परेशान हो लगता चमत्कार हो गया तो क्या हुआ ये, जैसे ये दोष ऐसे ही हैं, इनको ठीक करेंगे तो चमत्कार नज़र आएगा इनको, क्यों कि काफ़ी ख़राब वास्तु है इसका, बोलते हैं 106 के बुखार वाले को आराम मिल जाए, सो पे आ जा, भाई मैं तो मर रहा था बच गया, ऐसी स्थिति हो जाती है। मुझे उम्मीद है
कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।